एक्चुअली क्या है कि स्टूडियो खोलने का शौक बहुत पहले से था, खुद से कुछ करना था, तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत थी, हिम्मत नहीं किया। साथ में राजेश जी जुड़े मेरे साथ, उन्होंने मुझे और हौसले दिए कि हाँ जो चलो तुम्हें करना है तो हम भी जुड़ते हैं साथ में। तो राजेश जी के भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आज इस चीज़ को खड़ा करने के लिए। और सबसे बड़ा सपोर्ट है जो कि मेरा टीम है CK स्टूडियो क्रिएटिव नॉलेज, ग्राफिक डिज़ाइनर है, एडिटर है, साउंड इंजीनियर है, डिज़ाइनर है, ये भी एडिटर है। तो इन ये मेरा एक टीम है, आज जहाँ पे हूँ मैं शायद इन लोगों की वजह से हूँ। ये लोग अगर हेल्प नहीं करते, ये लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और इतना बड़ा हिम्मत भी नहीं उठा पाता। और रही स्टूडियो के बारे में, तो स्टूडियो मैं खोला हूँ कि जैसे एक किसी को सपोर्ट करना होता है। आज मैं कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि हाँ चलो सर ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, आपको भी हेल्प मिलेगा, हमें भी हेल्प होगा। तो बाकी जो भी होता है, उन लोगों को जो परेशानियाँ होती है वो जहाँ तक कोशिश रहेगी दूर करने की तो हम लोग करेंगे। क्लाइंट को जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि उनको यहाँ आने के बाद, CK प्रोडक्शन में घुसने के बाद, उनको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कहीं और जाके पोस्टर डिज़ाइन करना है, कहीं जाके डबिंग करवाना है, कहीं जाके म्यूज़िक करवाना है। अब एक डायरेक्टर क्या होता है कि एक ही जगह बैठेगा, या तो एक बार में वो एडिट करवाएगा, फिर एक बार में बैठ के साउंड करवाएगा, फिर एक बार में बैठ के पोस्टर डिज़ाइन करवाएगा, तो उसको 3 शेड्यूल बनाना पड़ता है। इस स्टूडियो में अगर करेंगे तो उनके आंखों के सामने एक ही साथ शेड्यूल चलेगा, एक केबिन में एडिट चलेगा, उसी प्रोजेक्ट का दूसरे केबिन में साउंड का काम चलेगा, अपना ग्राफिक्स का काम चलेगा, पोस्टर डिज़ाइन का काम चलेगा। तो एक ही जगह पे उनको एक बेनिफिट मिलेगा, जो काम 15 दिन में होने वाला है वो काम यहाँ पे 10 दिन में हम लोग करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा जगह भागना नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स बजट भी फायदा होगा। बजट कैसे फायदा होगा? जैसे वो बाहर कहीं पे पोस्टर बनाने के लिए देंगे तो उनको सिर्फ पोस्टर के लिए पे करना पड़ता है, साउंड के लिए देंगे तो साउंड के लिए पे करना पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कंप्लीट है, आप एक पैकेज ले लीजिए, उस पैकेज में आपका सारा चीज़ आ जाता है। आज एक लो बजट की मूवी भी आती है जिसके लिए प्रोड्यूसर्स लोग बहुत दिक्कत में आ जाते हैं कि भाई शूट करके आ गए प्लस उसके बाद प्रोडक्शन में आके रुक गया गाड़ी, कि हाँ अरे बजट नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग नज़र रखें, क्योंकि मैं बहुत इंडस्ट्री प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुका हूँ, बहुत प्रोड्यूसर से मिल चुका हूँ, मुझे पता है कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो मैं वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पे दे रहा हूँ कि चलिए आपका इतना पैकेज उतने में हम लोग कर देंगे। ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है। और कोई भी डायरेक्टर ये चाहता है कि मेरा एक ही जगह पे सारा काम हो जाए और थोड़ा सा बजट भी मेरा कम हो जाए। तो आपका कॉस्ट भी हाई होगा क्योंकि सारी चीज़ आपको उपलब्ध नहीं, नहीं 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 कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट रीजनेबल है। रीजनेबल इन द सेंस कि ऐसा है कि हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का एक ही टारगेट है कि बजट आपका, काम हमारा। अब 10 रुपये देंगे बजट तो भी हमारे पास 100 रुपये का ही काम मिलेगा, आप 100 रुपये देंगे तो भी 100 रुपये का ही काम मिलेगा। तो बजट के लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जिसका जितना बजट होता है उसमें हम लोग उनको जो चाहिए वो हम लोग देते हैं। फिलहाल कौन सी कुछ कर रहे हो, पाइपलाइन कोई है? फिलहाल अभी तो चल रहा है, अभी Pixel D का 3-4 प्रोजेक्ट मेरे पास आया हुआ है, उसका काम चल रहा है। और अभी एक मूवी रिलीज हुई है फुलटू धमाल, और अभी एक चल रहा है अशोक घायल, जो उनमें म्यूजिक का काम किए हैं, प्लस आकाश योगी जी डायरेक्टर है, भोजपुरी मूवी है तकदीर, तो उसका भी काम चल रहा है अपने पास। अभी एक और पिक्चर बड़े लेवल की चल रही है जिसमें अमिताभ बच्चन जी काम किए हैं, अपना मोहन जोशी जी काम किए हैं, प्लस अपना जो महाराष्ट्र के CM है उनकी वाइफ उसमें सिंगर है, और हाँ तो उसका टाइटल है विश्वविधाता डिवोशनल है, तो वो भी 24 अप्रैल को रिलीज पे है। वो भी तो चल रहे हैं ऐसे, आप लोगों की दुआओं से चल रहे हैं प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।